हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे शीर खुरमा, ईद स्पेशल रेसिपी। बहुत ही यम्मी शीर खुरमा बन के तैयार हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमको सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स लेना पड़ता है। इसको ड्राई फ्रूट्स को 3 से 4 घंटे पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब गैस का फ्लेम जला लेंगे। उस पर 1.5 लीटर के लगभग दूध रखेंगे। दूध पहले से उबाला हुआ था। दूध को अच्छे से चलाते हुए गर्म करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। तो अब ड्राई फ्रूट्स को पानी से निकाल लेंगे। 8 से 10 काजू और पिस्ता भी 10 लिए थे और बादाम 10 से 12 लिए थे। अब हम छिलका निकाल लेंगे बादाम का। इधर दूध में भी उबाल आ गया है। यहाँ पर हम केसर के 8 से 10 धागे लेंगे। इस केसर में हम गर्म दूध डालेंगे और साइड में रख देंगे। गर्म दूध में डालने के बाद केसर का कलर अच्छा छोड़ता है। अब दूध में हम 1/2 बाउल चीनी डालेंगे। उसके बाद फिर हम ड्राई फ्रूट्स को कट करेंगे। इधर हम मखाना लिए हैं, किशमिश लिए, 3 छोटी इलायची लिए हैं। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। और शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे मेन ड्राई फ्रूट्स होता है खजूर। खजूर को भी हम काट लिए हैं और उसका बीज निकाल दिए हैं। इधर हम इलायची कुटा हुआ डाल देंगे छिलका हटा के। और दूध गाढ़ा हो चुका है। दूध को दूसरे साइड गैस पर रख देंगे। इधर अब तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इसके बाद हम गैस चला के कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो कट करके रखे हैं उसको हम भून लेंगे। पहले हम पिस्ता और काजू कटा हुआ भूनेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, हल्का सेंट आने तक भूनेंगे। फिर इसको निकाल लेंगे। फिर हम खजूर को भी घी में डालेंगे और डालकर तुरंत निकाल लेंगे। इसमें भी इसका फ्लेवर आ जाएगा। इनको भूनना नहीं है। किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद फिर हम मखाना भी भून लेंगे किशमिश फ्राई कर। तो गाइस, मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो मेरा सारा ड्राई फ्रूट्स भुन गया है। अब हम पतला वाला सेवई लेंगे। इसका 1/2 हम निकाल लेंगे और तोड़कर इसको भी घी में भून लेंगे। 1.5 लीटर दूध में हम 1/2 पैकेट से कम भी सेवई डालेंगे। सेवई को अच्छे से हाथ से हम तोड़ देंगे। हाथ से पहले मिलाएंगे, फिर उसके बाद कलची चलाएंगे और उसके बाद भून के निकाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगता है भूनने में, वो जल्दी ही भून जाता है। सेवई भून गया है। अब इधर हम घी वाला ही कढ़ाई में दूध डाल दिए हैं और दूध गाढ़ा हो गया है। यहीं पर हम भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ा सा बचा के रख लेंगे और इसके बाद हम सारा डाल देंगे और 5 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे हम। शीर खुरमा में सबसे मेन होता है दूध को अच्छे से गाढ़ा करना होता है। फिर इसमें हम 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर डाल देंगे और फिर चलाएंगे। और अब हम यहीं पर केसर वाला दूध भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं केसर वाले दूध में कलर कितना अच्छा आया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम यहीं पर सेवई डाल देंगे। और सेवई डालने से पहले ही गैस का फ्लेम बंद कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी सेवई डालें तो गैस ऑफ करके ही डालें, नहीं तो सेवई का दही बन जाएगा। तो अब देख सकते हैं ठंडा होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।